वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, जो कि इंग्लिश ग्रामर है तो एवरी क्लासेस में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। टू चेंज द फॉर्म, किसी भी सेंटेंस की फॉर्म को चेंज करना, यानी वो कोई फॉर्म का है तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो फर्स्टली यहाँ पर हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। ठीक है, तो इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट रूल क्या है इसे बनाने का। तो अगर हमें कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा और उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, तो हम पहला रूल हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग नॉट, यानी हम उसमें नॉट लगा दें और फिर उसको अपोजिट वर्ड में चेंज कर दें। कैसे, जैसे आपको दिया हुआ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे ड्रिंक करना पसंद है। ठीक है, तो उसे ड्रिंक करना पसंद है, इसको अगर हमें निगेटिव में चेंज करना है तो पहली चीज़ क्या होती है हमारी, कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है बट हमारे मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आए, नहीं तो हम ये लिख देते हैं कि ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग, बट उससे क्या हो जाएगा कि आपका सेंटेंस का पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो मीनिंग चेंज नहीं करना है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, ही लव्स ड्रिंकिंग है, तो एक चीज़ आप देखिए लव्स है, तो लव्स जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईएस लगा हुआ है, इसलिए इसमें जब हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो डज नॉट हो जाएगा, तो डज नॉट, तो ही डज नॉट। अब उसके बाद ही डज नॉट लव का हमें अपोजिट लिखना है यहाँ पे, तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अगर हम बोलेंगे ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, यानी उसे ड्रिंकिंग से नफरत नहीं है, तो उसका सीधा सा मतलब क्या निकलेगा कि उसे ड्रिंकिंग पसंद है। तो इस तरह से देखा हमने कि अफर्मेटिव का निगेटिव भी बन गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट है, वी आर अनहैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ मैच, हम जो है वो खुश नहीं है, हम खुश नहीं है मैच के रिजल्ट से, तो उसको हमें अपोजिट बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यही लिखेंगे वी आर अनहैप्पी, हम नाखुश हैं रिजल्ट के मैच से, तो वी आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। तो हमने क्या किया, आर के बगल में तुरंत नॉट लगाया और अनहैप्पी का उल्टा हैप्पी कर दिया, तो वी आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ मैच, ये हो गया। माई ग्रैंड फादर इज ऑलवेज ऑन टाइम, माई ग्रैंड फादर इज ऑलवेज ऑन टाइम, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, माई ग्रैंड फादर इज नॉट ऑलवेज ऑन टाइम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि ग्रैंड फादर जो है वो, मेरे ग्रैंड फादर हमेशा समय पर आते हैं, समय पर आते हैं यानी कि वो कभी भी लेट नहीं करते, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हमने क्या किया, ऑलवेज का अपोजिट लिखा नेवर और ऑन टाइम का अपोजिट हो गया लेट, तो माई ग्रैंड फादर इज नेवर लेट, मेरे ग्रैंड फादर कभी भी लेट नहीं होते, इसका मतलब ही हो गया कि मेरे ग्रैंड फादर जो है वो हमेशा टाइम पर आते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस जो है वो आपका नॉट लगाने से या अपोजिट वर्ड बनाने से हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका एडजेक्टिव दिया ही हो जिसे आप अपोजिट कर लो। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरा रूल देखते हैं कि और क्या रूल लगा सकते हैं और कहाँ लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपका नॉर्मल सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दिख रहा है आपका, देखिए वी आर अनहैप्पी, ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हो, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड लगा सकते हो, यानी जहां पर आपका अपोजिट बन सकता है तो वहां पर आप लगा दोगे। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा हमें डिग्रीज में दिया होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में, रेदर देन, गुड बेटर बेस्ट, इस फॉर्म में दिया होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिग्री ऑफ कंपेरिजन का आइडिया ले लेना है। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन होती क्या है, डिग्रीज हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारी डिग्रीज थ्री टाइप की होती हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारा जैसे कि गुड बेटर बेस्ट हो गया, तो गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, बेटर कंपेरेटिव डिग्री हो गई और बेस्ट सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री किसी एक इंसान के लिए, एक चीज के लिए यूज होती है, कंपेरेटिव दो लोगों के कंपेरिजन में यूज होती है, हमेशा यहाँ पे दो तो लोग होने ही चाहिए, दो से कम लोगों में कंपेरिजन नहीं होगा। और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बेस्ट, यानी कि गुड बेटर और सबसे बेस्ट जो है। तो पॉजिटिव डिग्री जब हम लिखते हैं तो हमें ध्यान देना है कि जब निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, अगर निगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे तो सो गुड एज, ये ठीक है, और अगर हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो एज गुड एज, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री में आपका दो लोगों में कंपेरिजन होगा, तो हमेशा जो भी आपकी डिग्री होगी, जैसे कि बेटर हो गई, तो बेटर के साथ देन जरूर लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में आपका अगर बेस्ट हो गया तो बेस्ट से पहले द जरूर लगेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका, जैसे कि आपका हो गया फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट,
ठीक है, तो ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है, EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव हो जाता है। पर बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें ER और EST लगा के काम नहीं बनता, तब हम उसमें क्या करते हैं, मोर लगा देते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलस नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल। तो अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, राम इज एज स्ट्रांग एज श्याम, यानी राम भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि श्याम। मोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज श्याम, मोहन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि श्याम। मोहन इज स्ट्रांगर देन श्याम, मोहन क्या है, श्याम से ज्यादा स्ट्रांग है, तो मोहन इज स्ट्रांगर, और देखिए देन मैंने बोला तो देन लगा देंगे। रोहन इज द स्ट्रांगेस्ट बॉय, और रोहन जो है वो सबसे स्ट्रांग है, तो रोहन इज द स्ट्रांगेस्ट बॉय। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, इंटरचेंजिंग पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमें एक्सरसाइज में पूछेगा कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, या अभी जो हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन उसको भी देखना है कि अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है यू आर नॉट सो टॉल एज आई, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, यानी आप उतने लंबे नहीं हो जितना कि मैं। ठीक है, तो निगेटिव में था इसलिए सो एज लगा हुआ है। अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, सो एज हटा देना है, और हमें इसको देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से इंटरचेंज कर लेना है। जब हम बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में, तो आई आई के साथ हेल्प मिलेगी एम, और टॉल का हो जाएगा कंपैरेटिव की टॉलर, और देन तो लगता ही है, तो आई एम टॉलर देन यू। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और एड देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम एड देन लगा देंगे। नेक्स्ट है ही इज एज बिग एज हिज ब्रदर, वो उतना ही बड़ा है जितना कि उसका भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका भाई उसके उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर इज नॉट बिगर देन हिम। तो हिज ब्रदर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया और ये सब्जेक्ट का हिम बाद में लिख दिया। और नॉट क्यों लगाया, क्योंकि देखिए पॉजिटिव में था तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव में पहले से दिया है तो कंपेटिव बनाते समय पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए नॉट हमने यहाँ से हटा दिया है, तो बिगर देन हिम। अब अगर आपको यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री दिया हो और उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किया है, देख लीजिए समझ में आएगा। वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, वाराणसी जो है वो यूपी की सभी सिटीज में सबसे पुरानी सिटी कौन सी है, वाराणसी बोल रहा है, कह रहा है वाराणसी सबसे पुरानी सिटी है, ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, यूपी की किसी और सिटी से पुरानी है, तो ओल्डर देन है यानी कंपेरेटिव डिग्री है। अब इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो जब कभी आपका ऐसा आए एनी अदर सिटी करके आए, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एनी अदर, एनी का उल्टा होता है नो, तो एनी की जगह हम नो लगाएंगे, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज ओल्ड एज वाराणसी, इज एज ओल्ड एज वाराणसी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं इंटरचेंजिंग कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, शालिनी जो है वो अपनी क्लास की किसी और लड़की से ज्यादा खूबसूरत है। मोर ब्यूटीफुल, देखिए मोर लगा हुआ यानी कंपेरेटिव डिग्री है ये। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, पहले हम इसको नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके देखते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, तो वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी, देखिए यहाँ पे भी एनी अदर है, तो एनी काम क्या कर देंगे, नो, तो नो अदर गर्ल्स इन हर क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज शालिनी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, शालिनी इज, अब बस आपका मोर की जगह मोस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, शालिनी अपने क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी जो थे इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट लीडर थे उनमें से एक थे, ये नहीं कहा जा रहा है गांधी जी सबसे ग्रेटेस्ट थे, उनमें से एक थे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत कम लोग थे जो गांधी जी जैसे थे। वन ऑफ द मोस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट यानी कि एक पूरी एक ग्रुप था उसमें से कोई एक है, ग्रेटेस्ट लीडर्स का ग्रुप था जिसमें से एक गांधी जी थे, तो जो ग्रेटेस्ट लीडर में और लोग थे उन वो बहुत थोड़े से थे, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वो एज ग्रेट एज गांधी जी। ठीक है, और अगर हमें इसको क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव में दिया हुआ था द ग्रेटेस्ट, तो कंपेरेटिव में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, देखिए वही एनी अदर था तो उसी को बोला गया कि गांधी जी वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, या आप एनी अदर लीडर्स ऑफ इंडिया बोल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में और क्वेश्चन, There are some kingdoms richer than this one. There are some kingdoms richer than this one.
यानी क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये किंगडम है जहाँ की हम बात करें, किसी एक किंगडम को डिनोट किया जा रहा है कि ये जो किंगडम्स है तो यहाँ बहुत कम किंगडम है जो इससे रिच है, यानी ये जो हमारी पर्टिकुलर किंगडम जिसकी हम बात करें दिस वन की बात कर रहे हैं, ये किंगडम जो है वो और जितनी किंगडम्स है वो जो है वो इससे ज्यादा रिच नहीं है, बहुत कम ही है जो इससे रिच है। तो हम क्या बोलेंगे, वेरी फ्यू किंगडम्स आर एज रिच एज दिस किंगडम। ठीक है, हमने इसको नेगेटिव में चेंज करें, देखिए अफर्मेटिव दिया तो नेगेटिव चेंज करने का हमने ये रूल देखा। तो अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम एक एक्सरसाइज को प्रेफर कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज को लेके उसी को सॉल्व कर रहे हैं और आपको बेसिक भी क्लियर कर रहे हैं और साथ ही हम उस एक्सरसाइज को यहाँ बीच में सॉल्व भी करते जा रहे हैं। वो एक्सरसाइज का मैं आपको अभी आगे स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, मैंने उससे क्वेश्चंस लेके यहाँ पर उसे सॉल्व किए हैं जिससे कि हमें एक आइडिया मिले कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसको मैंने एग्जांपल में लेके सॉल्व किया। तो जो मैं आपको बाद में एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट लास्ट में दूंगी तो आप उससे कंपेयर कर लेना कि मैंने वहां के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहां के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। तो मैं आपको साथ में बेसिक भी क्लियर कर रही हूं प्लस आपको वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी यहां बीच बीच में करवाती जा रही हूं, तो वो क्वेश्चंस आप वहां से मैच कर लोगे तो आपको एग्जांपल्स में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जाता है हमसे, और प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने का एक ये भी रूल होता है जब कभी आपके पास कंपेरेटिव मैप, देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करिए, उसमें आपको रिचर देन दे दिया था। अब रिचर देन दे दिया, आप देख रहे हो कंपेरेटिव डिग्री है, इसको क्या आप बना सकते हो रिचर देन का, आप क्या करोगे पुअरर देन, पुअरर देन आप कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो फिर कि देयर आर नो किंगडम पुअरर देन दिस वन, तो ये भी लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि नो किंगडम आप लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पे सम किंगडम बोल रहा है तो भी रॉन्ग हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो दे आर वेरी फ्यू किंगडम पुअरर देन दिस वन, तो बहुत ही कम है जो इससे पुअरर है, नहीं तो ज्यादातर इससे रिच है, फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि आप कह रहे हो यहाँ पर कि जो सारी है वो इससे रिच है, बट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ही है जो इससे रिच है, तो हाँ पुअरर लगा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है लेकिन वो भी क्लियरिटी नहीं आ रही, इसलिए हम देखेंगे, हम ध्यान यही देंगे कि जब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो हम कंपैरेटिव को इसी रूल से क्या कर रहे हैं इसको चेंज करें, चाहे आप पॉजिटिव में चेंज कर दो चाहे आप इसको सुपरलेटिव में चेंज कर दो और इसको इस तरह से हम निगेटिव बना दें। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे दे आर सम किंगडम रिचर देन दिस वन था, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आएगा तो आप आराम से उसका सेंटेंस चेंज कर दोगे। नेक्स्ट आता है कुछ जो आपके, मैं ये कीवर्ड्स टाइप में मैंने रूल डिवाइड कर दिया, अगर आपको रिचर देन टाइप का आएगा तो आप रूल टू यूज करोगे जिसमें कंपैरेटिव डिग्री वगैरह लगा के करोगे, अगर नॉर्मल सा आता है जहाँ पे अपोजिट वर्ड है तो डायरेक्ट आप नॉट प्लस अपोजिट वर्ड लगा दोगे, और अगर कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली यूज हुआ है तब वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको उसकी जगह नन बट लगा देना है, यानी सोहन अलोन गॉट प्राइज, सोहन अकेले प्राइज पाया, यानी सोहन को अकेले प्राइज मिला, तो अकेले प्राइज मिला इसका मतलब क्या होगा, किसी को नहीं मिला लेकिन सोहन को मिला, तो नन यानी किसी को नहीं बट सोहन गॉट प्राइज, तो नन बट सोहन गॉट प्राइज, क्लियर हो रहा है, तो किसी को नहीं मिला केवल सोहन को ही प्राइज मिला, तो अलोन और ओनली अगर आएगा तो उसकी जगह आप बस क्या कर लोगे नन बट लगा के बाकी सबको वैसे ही लिख लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओनली दोज पीपल हु हैव टिकट्स विल बी अलाउड विद इन द प्रीमाइसेस, कह रहा है कि केवल वही पर्सन अंदर जा सकते हैं जिनके पास टिकट हो, वही प्रीमाइसेस में जाने के अलाउ है जिनके पास टिकट है, तो हमने ओनली देखा तो तुरंत हमने क्या किया ओनली की जगह नन बट लगा दिया, और कोई नहीं लेकिन केवल वो पीपल जिनके पास टिकट है वो अलाउड है प्रीमाइसेस में जाने के लिए, तो क्लियर हो गया। तो बस आपको यही करना है, कहीं पे अलोन और ओनली दिखेगा तो उसकी जगह नन बट लगा देना, नेगेटिव में वो चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल फोर देख लेते हैं, अगर कहीं आपको अनलेस वर्ड दिख जाता है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है और आपको अनलेस वर्ड दिख जाता है तो आपको क्या करना है, बस अनलेस की जगह आपको इफ यूज करके कुछ इस तरह से यूज करना है। कैसे, अनलेस का मतलब होता है जब तक, यानी यू विल फील कोल्ड अनलेस यू वियर अ वार्म जैकेट, यानी तुम्हें तब तक ठंडी, तुम्हें ठंडी लगती रहेगी या तुम्हें ठंड फील होती रहेगी तब तक, अनलेस यानी तब तक यू वियर अ वार्म जैकेट, कि जब तक कि तुम क्या कर लो अपनी गर्म जैकेट नहीं पहन लोगे तब तक तुम्हें ठंड लगेगी। अब अनलेस यहाँ पर दिया है, अनलेस को चेंज करके हमें निगेटिव में बनाना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर तुम वार्म जैकेट नहीं पहनोगे तो तब तक तुम्हें, तो तुम्हें क्या होगा ठंडी लगेगी, तो हम क्या लिखेंगे, अब क्योंकि हम वार्म जैकेट नहीं पहनोगे नहीं नॉट हमें बस लाना है तभी निगेटिव बनेगा, तो हम अनलेस की जगह इफ यूज कर देते हैं और इस सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू और बीच में हमने सेंटेंस क्या लगा दिया, निगेटिव यहाँ जोड़ना है, निगेटिव बनाना है, तो इफ यू डू नॉट
वियर अ वार्म जैकेट, इफ यू डू नॉट वियर अ वार्म जैकेट यू विल फील कोल्ड, तो तुम्हें ठंड लगती रहेगी। अब इसी तरह से एक आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वी विल गेट लेट अनलेस वी हरी, हम लेट हो जाएंगे अगर हम जल्दी, जब तक कि हम जल्दी नहीं करेंगे हम लेट हो जाएंगे। तो इफ वी डू नॉट हरी वी विल बी लेट, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वी विल बी लेट। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव में दिया था अनलेस वर्ड, जैसे आपने देखा तो आप इसको इफ लगाओगे और फिर डू नॉट या डिड नॉट जैसा भी आपका यहाँ वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग पीछे से स्टार्ट करेंगे और देन कॉमा लगा के आगे वाला सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करना, जिसमें हमने देख लिया कंपरेटिव पॉजिटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया, वो भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में, तो वो भी आप उसको देख लिया हमने। आप ये भी देखा कि बहुत सारे रूल्स देख लिए कि अनलेस लगाए तो इफ लगा के हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नन बट है, अलोन ओनली है तो नन बट लगा सकते हैं, नन बट है तो अलोन ओनली भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा है, हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया, अब चलते हैं असरेटिव से इंट्रोगेटिव। अगर आपके पास असरेटिव सेंटेंस है उनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना। असरेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव निगेटिव मिला के असरेटिव कहलाते हैं, यानी कि सिंपल सा एक स्टेटमेंट जो होता है वो असरेटिव कहलाता है। अगर उसको निगेटिव में चेंज, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, रूल देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब छाटनी होती है, तुरंत हम देखेंगे अगर हमारे पास असरेटिव दिया है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, इज एम आर वाज वर विल कैन डू डज हैज हैव डिड हैड, इस टाइप के जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखती है आप तुरंत उसको ढूंढोगे और ढूंढ के उसको पहले निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कैसे करोगे। और तो आप क्या करोगे, आप इसको निकाल लोगे, देन आपको क्या करना है, चलिए एक एग्जाम्पल देख ही देते हैं। मोहन इज नॉट फुलिश इनफ टू बिलीव दिस लाइज, मोहन इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो इस तरह के झूठ पे विश्वास कर ले। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाना है, तुरंत हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का है, तो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है ये इज, हिज हेल्पिंग वर्ब है, तुरंत इसको क्या करना है, कम फर्स्ट, तो इसको हमने उठा के यहाँ पर पहले लिख दिया और क्या हो गया इज, और पूरा सेंटेंस हम वैसा का वैसा उठा के लिख देंगे। तो इज मोहन, अब देखिए यहाँ पे मैंने नॉट हटा दिया, तो इसी के लिए हम रूल टू पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि इज पहले कर देना, तो इज पहले हो गया। अब एक दूसरा रूल देख लेते हैं फिर इस पे आएंगे। इफ असरेटिव इज अफर्मेटिव, जो आपको सेंटेंस दिया गया है अगर वो पॉजिटिव है अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव का हमें निगेटिव बनाना है, और अगर असरेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का हमें पॉजिटिव बनाना है। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर पहले से पॉजिटिव दिया है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय निगेटिव कर देंगे, और पहले से निगेटिव दिया है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय पॉजिटिव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर नॉट दिया हुआ था, पहले से ये आपका निगेटिव था, तो हमने क्या किया इसको बाहर किया पहला रूल, उसके बाद इसको हमें नॉट हटा देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव हमारा निगेटिव पहले से, तो इंट्रोगेटिव में अब नॉट नहीं लगेगा। तो इज मोहन नॉट हटा दिया, फुलिश इनफ टू बिलीव दिस लाइज, ये हो गया, और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अगर नेवर है तो एवर हो जाता है, नो है तो एनी हो जाएगा, एवरीबडी है तो हु हो जाएगा, और लास्ट प्लेस क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। माई फादर इज नॉट द ओल्डेस्ट मैन इन द सोसाइटी, मेरे फादर सबसे ओल्डेस्ट मैन नहीं है सोसाइटी के, यानी सबसे पुराने या सबसे बूढ़े जो है सोसाइटी के नहीं है। तो अब इसको नॉट पहले से लगाया, नॉट हटा देंगे, इसको ढूंढा हमने, इज था यहाँ पे तो इसको पहले कर दिया। तो इज माई फादर द ओल्डेस्ट मैन इन द सोसाइटी, क्या मेरे फादर सबसे ओल्डेस्ट मैन है, तो हम बोलेंगे माय फादर इज नॉट द ओल्डेस्ट मैन इन सोसाइटी। अब देखिए इसका आपका इंट्रोगेटिव दो तरह से बन सकता था, हमने आपको यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं किया कि हम यहाँ पे सेंटेंसेस चेंज हम कर नहीं रहे हैं, नहीं तो और करके हम ये भी लिख सकते थे कि इज योर फादर द ओल्डेस्ट मैन इन द सोसाइटी। आपसे कोई थर्ड पर्सन पूछता है कि क्या आपके फादर सबसे ओल्डेस्ट मैन है, तो आप बोलोगे कि माई फादर इज नॉट द ओल्डेस्ट मैन, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे। आपने आपसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि इज माई फादर द ओल्डेस्ट मैन इन द सोसाइटी, तो आप अपने आप से आंसर दोगे कि माई फादर इज नॉट द ओल्डेस्ट मैन इन द सिटी। ठीक है, या आप किसी और पर्सन से पूछ सकते हो कि क्या मेरे फादर ही सबसे ओल्डेस्ट है या आपके फादर है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माई ही लगे रहने दिया, आप योर भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी हमें असरेटिव में दिया है। द हाउस इन द विलेजेस आर स्मॉलर देन दोज इन द सिटी, कह रहा है कि जो विलेजेस के हाउस होते हैं वो सिटी के हाउसेस से छोटे होते हैं। तो ये सिंपल सा सेंटेंस दिया है, असरेटिव है आपका, वो भी असरेटिव में भी कैसे अफर्मेटिव है, तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने से इसको क्या करना है, निगेटिव में चेंज कर देना है। और सेकेंड चीज क्या करनी है, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई आर, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, आर को बाहर कर देंगे, तो आर हो गया बाहर,
तो अब हो गया आर, और फिर जस्ट जैसे ही आर लगाओगे आप, आर के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो आर नॉट द हाउस इन द विलेजेस स्मॉलर देन दोज इन द सिटी, आर नॉट द हाउस इन द विलेजेस स्मॉलर देन दोज इन द सिटी, तो क्या जो हाउस है विलेजेस के वो सिटीज से छोटे नहीं है, तो आप बोलोगे यस द हाउस इन द विलेजेस आर स्मॉलर देन दोज इन द सिटी। ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट अ हेल्दी हैबिट, आपसे कह रहा है स्मोकिंग इज नॉट अ हेल्दी हैबिट, तो हमें इसे क्वेश्चन बनाना है, तो नॉट पहले से दिया हुआ है, इज हमने ढूंढा, इज को पहले कर लिया, तो इज स्मोकिंग नॉट हटा देंगे, तो इज स्मोकिंग अ हेल्दी हैबिट। ठीक है, हनीबल वॉज नॉट नोन फॉर हिज काइंडनेस टू द एनिमी, कह रहा है हनीबल जो है वो अपनी काइंडनेस के लिए, अपने दुश्मनों के प्रति अपनी काइंडनेस, अपने दयालुपन के लिए फेमस नहीं था, तो नॉट है तुरंत नॉट हटाएंगे, और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो पहले कर लेंगे, तो वॉज फिर पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे, वॉज हनीबल नॉट हटा चुके थे नोन फॉर हिज काइंडनेस टू एनिमी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया आपका इंट्रोगेटिव, है ना इजी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है, नो वन नोज यू, अब आपने हमको मैंने क्या बताया था, नो की जगह क्या हो जाएगा एनी, अब नोज है तो नोज है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो देखिए हमें कुछ दिख नहीं रही है, तो नोज है तो नोज में हमें पता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, इंडेफिनिट में डू डज लगा के हम चेंज करते हैं, तो नोज है इसका मतलब डज हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले किया हमने, डज को पहले किया, नो को एनी में चेंज कर दिया, तो डज एनी वन नो यू क्वेश्चन वर्ड। एवरीबडी का हमने क्या कहा था, एवरीबडी कहीं आएगा तो हु लगा देंगे, तो एवरीबडी लाइक्स टू बी नोन, लाइक्स है तो डज हो जाएगा, तो एवरीबडी की जगह हु डज, अब इसके बाद हमारा ये प्रेजेंट में था तो इसलिए हमने इसको क्या किया, सॉरी अफर्मेटिव था तो इसको मैं निगेटिव में चेंज किया, तो हु डज नॉट लाइक टू बी नोन, हर कोई चाहता है जाना जाना, हर कोई चाहता है कि वो प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, तो पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन कि कौन नहीं चाहता है फेमस होना, तो हर कोई चाहता है फेमस होना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव, यानी असरेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी को असरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है, कोशिश करेंगे कि दो पार्ट में खत्म हो जाए, अगर फिर भी लंबा होता है तो हमें तीन पार्ट में जाना पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक्सरसाइज यहाँ पर डाल दे रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा और देख के आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा, ये जो एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस केवल एक एक क्लास के लिए नहीं है, ये आपका एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ग्रामर आपको पता है कि ग्रामर कभी चेंज नहीं होती, आपको 12th क्लास तक इसी ग्रामर को पढ़ना है, तो अगर आपको इस टॉपिक को कभी पढ़ने की जरूरत पड़ती है कहीं पर भी तो आप इस टॉपिक को देख सकते हो। चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक।